हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जिस वजह से आपका चैनल ग्रो हो सकता है। यानी अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, इस वीडियो के अंदर आपका चैनल 101% ग्रो होने वाला है। सभी वीडियो पर आपकी व्यूज आने वाले हैं, किस तरीके से आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे ये आप अपने चैनल पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो कौन से वो तीन सीक्रेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। अगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, आप उस पर वीडियो पर वीडियो अपलोड करते जा रहे, काफ़ी वीडियोज अपलोड कर चुके हो और ज्यादा भी व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर भी इंक्रीज नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपने चैनल पर अगर कोई ना कोई गलती करते रहते हैं, कोई मिस्टेक करते रहते हैं, तो उस मिस्टेक की वजह से, उस गलती की वजह से क्या होता है कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करता है। तो इस वीडियो को यार कंप्लीट वॉच करना है। स्टेप बाई स्टेप आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। और उम्मीद करता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप समझ लेते हैं, तो 101% आपका चैनल ग्रो होने वाला है सिर्फ 21 डेज के अंदर। यानी 21 दिनों के अंदर आपका चैनल ग्रो होने वाला है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं आपको तरीका बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। पहले मैं आपको जो सबसे पहला सीक्रेट है वो बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला सीक्रेट ये होगा कि आप एक चीज बहुत ध्यान से समझना कि जब हम, हमारे एक YouTube चैनल है और जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के बाद क्या होता, हम वीडियो को डायरेक्ट पब्लिश कर देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें पता होता है कि वीडियो को डायरेक्ट जो है पब्लिश नहीं करना है, वीडियो को पहले अनलिस्ट रखना है, उसके बाद हमें वीडियो को पब्लिश करना है। लेकिन ये तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन ये नहीं बताते कि ऐसा करने से होता क्या है। तो आपको पहले मैं ये समझा देता हूँ कि अगर आप वीडियो को पहले अनलिस्ट करते हैं, उसके बाद उसमें टाइम लगा के कुछ समय के बाद उसको पब्लिश करते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, और अगर आप वीडियो को डायरेक्ट अगर आप पब्लिश कर देते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा। तो पहले आप ध्यान से ये समझो कि जब हम किसी भी वीडियो को YouTube पर अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के बाद क्या होता है कि वीडियो को हम पहले अनलिस्ट कर देते हैं, उसमें टाइम लगा देते हैं, या हम सोचते हैं कि कुछ घंटों के बाद इस वीडियो को हमें पब्लिश करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब हम किस वीडियो को अपलोड करते हैं, तो उसमें हम जो टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसमें हम जो टैग लगाते हैं, हैशटैग लगाते हैं, उसकी जो कैटेगरी वो सिलेक्ट करते हैं, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसका जो हम थंबनेल बनाते हैं, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, YouTube का जो एल्गोरिथम होता है वो इस चीज़ को एनालाइज करता है। एनालाइज करके वो इस चीज़ का पता लगाता है कि एक्चुअली में जब हमने इस वीडियो को अपलोड करा कि इस वीडियो के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, यानी हमने किस टॉपिक पर ये वीडियो बनाई है, यूट्यूब इन वीडियो को किस लोगों को दिखाना चाहिए, किस ऑडियंस को दिखाना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो को एनालाइज करता है। उसके बाद जब हम 2-3 घंटे का जो भी उसमें मतलब टाइम लगा देते हैं, तो उसी के बीच में वो वीडियो को प्रॉपर एनालाइज कर लेता है, और जब हम उसको पब्लिश करते हैं, उसके बाद ये होता है कि वो इस वीडियो को हमारे उन्हीं लोगों के पास रेकमेंड करता है, उसी उन्हीं ऑडियंस को दिखाता है जिनकी इसकी ज़रूरत है। मान लीजिए मैं YouTube पर ज़्यादातर फूड से रिलेटिव वीडियो देखता हूँ, ठीक है, मुझे पसंद है, मेरी आईडी है कि मैं YouTube पर फूड की वीडियो देखता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी बंदे ने भी कहीं भी कोई वीडियो अनलिस्ट कर रखी है, फूड से रिलेटिव उसने वीडियो बनाई है, तो होगा ये कि YouTube मेरे पास उनकी वीडियो को रेकमेंड करेगा, मेरे पास उनकी वीडियो को सजेस्ट करेगा, और फिर मैं उनकी वीडियो को वॉच करूँगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट वीडियो को पब्लिश कर देते हो, तो उससे नुकसान ये होता है कि YouTube को हम इतना भी टाइम नहीं देते हैं समझने के लिए कि हमने जो वीडियो बनाई है वो किस टॉपिक पर बनाई है, हमने हैशटैग क्या लगाया है, हमने कीवर्ड क्या लगाया है, या हमने उसका टाइटल क्या लिखा है, या हमने पूरे जो डिस्क्रिप्शन में इतना कुछ लिखा है वो क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। YouTube को इतना भी टाइम नहीं मिल पाता, हम डायरेक्ट उसको पब्लिश कर देते हैं, उससे ये होता है कि हमारी वो वीडियो फिर कुछ ऐसी ऑडियंस के पास चली जाती है जो उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए मैं फूड की वीडियो देखता हूँ और आपने टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाई है, अगर आपकी वीडियो मेरे सामने आएगी तो क्या मैं देखना पसंद करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पसंद है फूड की वीडियो देखना, तो मैं आपकी वीडियो क्यों देखूंगा। तो कुछ ऐसी ऑडियंस के पास वो वीडियो चली जाती है जो हमारी वीडियो को वॉच नहीं करते, उससे फिर ये होता कि जब हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं, एकदम डायरेक्ट पब्लिश कर देते हैं, तो वीडियो के इंप्रेशन जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब इंप्रेशन जाना शुरू हो जाते हैं, वीडियो काफी लोगों के पास ऑडियंस के पास चली जाती है, और फिर उन्हीं ऑडियंस को उस वीडियो के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उस वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, तो क्या होता है, इंप्रेशन डाउन होना शुरू हो जाते हैं, व्यूज डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और डाउन होते होते क्या होता है, वो वीडियो वहीं पे रुक जाती है और फिर वो आगे बिल्कुल भी नहीं चल पाती है। और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो चैनल एक दिन आकर के फ्रीज भी हो जाता है, डेड भी हो जाता है। हालांकि डेड चैनल या फ्रीज चैनल जो हो जाते हैं उनको हम ग्रो भी कर सकते हैं, पर फिर बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप YouTube पर किसी भी वीडियो को अपलोड करो, तो भाई आपको क्या कम करना है, डायरेक्ट उसको पब्लिश नहीं करनी है, पहले आपको वीडियो अपलोड कर देनी है, उसके बाद आपको टाइम लगा देना है कि जिस टाइम भी आपको उसको अपलोड करना चाहते हैं वो टाइम आपको उसको लगा देना है, ठीक है, या फिर आप 2-3 घंटों के बाद उसको पब्लिश करना है, डायरेक्ट पब्लिश नहीं करना है।
ठीक है। सेकंड सीक्रेट ये रहेगा कि आप अगर आपने अपना एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, ठीक है, यूट्यूब चैनल आपने बना रखा है और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आप एजुकेशन की वीडियो बनाते हैं, ठीक है, आप एक टीचर हैं और आप YouTube पर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आप वहाँ पर जो है नॉलेज देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, आपने वो चैनल बना रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता, जो नए क्रिएटर्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमें एक्चुअली में जो चैनल की कैटेगरी है हमें क्या रखनी चाहिए, या फिर हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं हमें उसकी कैटेगरी क्या रखनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम कोई चैनल क्रिएट करते हैं तो चैनल क्रिएट करते टाइम हमारा जो चैनल होता है हम उसकी जो कैटेगरी है ना वो कुछ और उसमें ऐड हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे चैनल पर एक कैटेगरी सेलेक्ट हो गई है जहाँ पे लिखा है प्यूपिल एंड व्लॉग, ठीक है, उस ये हमारी कैटेगरी है जो हमारे चैनल की सिलेक्ट हो रखी है पहले से ही। अब हमने चैनल का जो है अपना बना लिया, यूट्यूब चैनल बना लिया है, अब हम क्या करते हैं उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं, किस चीज़ की, एजुकेशन की, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, YouTube कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे हम खुद ये चीज़ बोलते हैं कि भाई अब मैंने जो वीडियो बनाई है ये फला फला लोगों को आपको जो है वीडियो दिखानी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बल्कि हम जब YouTube पर कोई भी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उस वीडियो का जो हम अच्छे से SEO करते हैं उसी के आधार पर YouTube हमारी वीडियो को आगे लोगों तक रिकमेंड करता है, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा, जो हमारा ये YouTube की चैनल की जो कैटेगरी है वो हमने गलत सेलेक्ट कर रखी है। तो मान लीजिए आपने YouTube चैनल की जो कैटेगरी है वो प्यूपलैंड व्लॉग कैटेगरी जो है सिलेक्ट कर रखी है, तो उससे क्या होगा, यूट्यूब हमारी वीडियो को, जो लोग व्लॉग देखना पसंद करते हैं ना उनके पास हमारी वीडियो को भेजना शुरू करेगा, ठीक है। उन्हें मतलब नहीं है कि हमने वीडियो के अंदर क्या बोल रखा है, यूट्यूब को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो जो काम करता है वो जो यूट्यूब चैनल की जो सेटिंग्स होती है या फिर हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका जो SEO करते हैं हम प्रॉपर, उसमें टाइटल टैग हैशटैग डिस्क्रिप्शन वगैरह जो लिखते हैं यूट्यूब उसके आधार पर काम करता है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सही कैटेगरी को चूज़ करना है, और अगर आपको नहीं पता कि कैटेगरी किस तरीके से क्या रखनी चाहिए, ये कहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आता है, क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, तो उस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप इस वीडियो को जाकर के मेरी बाद में वॉच कर सकते हैं। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको कैटेगरी का नहीं पता है क्या रखनी चाहिए, कहां पे रखनी चाहिए, तो वो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। थर्ड चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको थर्ड सीक्रेट बताने वाला हूं, इसको भी बहुत ध्यान से आपको सुनना और समझना चाहिए। अगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करना है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, क्या होता है कि YouTube पर जब हम काम करते हैं, YouTube पर वीडियो बनाते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम हमारे जो YouTube की जो हमारी वीडियोस है वो हम वीडियो बहुत सारी अपलोड कर लेते हैं अपने चैनल पर, 100 200 500 1000 2000 वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारा YouTube चैनल ग्रो नहीं करता है। अगर हम एक महीने में एवरेज भी निकाल के देखते हैं तो मान लीजिए एक महीने में हमने 25 वीडियो अपलोड कर रखी है, 20 या 15 वीडियो अपलोड कर रखी है, इतनी वीडियो अपलोड कर रखी है, उसके बाद भी हमारा YouTube चैनल ग्रो नहीं कर रहा। एक्चुअली में जो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं उसको आप ध्यान से समझो, उसी गलती के कारण इतनी सारी वीडियो अपलोड करने के बावजूद भी YouTube चैनल ग्रो नहीं करता, तो वो गलती कौन सी है उसको आप ध्यान से समझो। एक्चुअली में ये होता है कि YouTube पर जब हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो YouTube पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है कि हमें कंसिस्टेंसी को बना करके काम करना पड़ता है, एक टाइम टेबल बना करके काम करना पड़ता है। अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं बनाते, एक टाइम टेबल नहीं बनाते, तो हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करता है। अब कंसिस्टेंसी क्या है और टाइम टेबल हमें क्या रखना है मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल ये बनाना है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एक महीने के अंदर कितनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, 10 20 30 50 कितनी वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, एक दिन में कितनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, दो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, या दो या तीन दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक टाइम टेबल बना लेना है। तो मान लीजिए आपने एक टाइम टेबल बनाया है कि जिसमें आपको दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड करना है, ठीक है, या आपको एक दिन में दो वीडियो अपलोड करनी है, तो आपको क्या काम करना है उस चीज़ को आपको कोई कॉपी पेन पे ऐड कर लेना है, ठीक है, आप ऐड कर लेना, तो आपको उसी आधार पे आगे भी वीडियो को अपलोड करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि मुझे एक दिन के अंदर एक वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है, तो मुझे फिर ऐसा नहीं करना है कि एक वीडियो मैंने आज अपलोड कर दी, एक वीडियो मैंने तीन दिन बाद कर दी, एक वीडियो फिर उससे अगले दिन कर दी, कभी कभी एक दिन में दो वीडियो अपलोड कर दी। और जब मैंने एक महीने का एवरेज देखा तो मेरे एक महीने के अंदर 25 वीडियो मैं अपलोड कर चुका था मगर YouTube चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था, तो इस तरीके से वो ग्रो नहीं कर सकता। आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और एक जो कंसिस्टेंसी है उसको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक वीडियो रोज अपलोड कर सकती हो ना तो आपको हर हाल में एक वीडियो रोज अपलोड करनी चाहिए, ठीक है।
और अगर आपका इतना आपके पास इतना अगर टाइम नहीं है कि आप एक वीडियो रोज़ अपलोड कर सकें, आपके पास है कि आप एक हफ्ते में बस एक वीडियो डाल सकते हैं, तब भी आप अपने YouTube चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, 101% ग्रो कर सकते हैं अगर आप एक हफ्ते में एक वीडियो भी डालेंगे तो। उसका सिर्फ उसके जो कंसिस्टेंसी है उसको आपको बना के रखनी है। अगर आप मान लीजिए आपको मंडे में एक वीडियो डालनी है, सेकंड वीडियो भी आपने मंडे में डाली है 8 दिन के बाद या 7 दिन के बाद, ठीक है, तो अगली जो वीडियो डालोगे अब यानी तीसरी जो वीडियो डालोगे तो उसको भी आपको 101% मंडे में ही डालना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने संडे में डाल दिए, ट्यूजडे में डाल दिए, थर्सडे में डाल दी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक टाइम टेबल बना लेना कि हमें इतने समय बाद एक वीडियो डालनी है तो उतने समय बाद ही डालना है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। इसी चीज़ को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो कंसिस्टेंसी और एक टाइम टेबल कि हमें एक दिन में जो वीडियो डालनी है वो किस टाइम डालनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें एक दिन के अंदर एक वीडियो डालना है, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगर हमें आज के दिन में मतलब जो भी हमें वीडियो डालनी है वो हम सुबह डालें, दोपहर डालें, शाम में डालें या रात में डालेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो आपको क्या काम करना है, आपको अपने YT स्टूडियो में चले जाना है। YT स्टूडियो में जाने के बाद वहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा किस टाइम एक्टिव रहती है, ठीक है, उसमें आसानी से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। सभी के YT स्टूडियो में ये चीज़ हमें आसानी से पता लग जाती है, आसानी से इस चीज़ें मिल जाती है। अब उसमें आपको उसमें ये चेक करना है कि जो आपकी ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा किस टाइम एक्टिव रहती है। मान लीजिए आपकी ऑडियंस रात में 9 बजे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो आपको 9 बजे एक दिन में, मतलब अगर आप एक वीडियो डाल लो या 7 दिन में डाल लो या तीसरे दिन डाल लो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उसमें चेक करने के बाद कि आपकी ऑडियंस किस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहती है उसी टाइम आपको वीडियो को अपलोड करना है। अगर आपकी ऑडियंस मान लीजिए सुबह 8 बजे या दोपहर 12 बजे एक्टिव रहती है, आपने उसमें देख लिया है, क्योंकि उसमें जो है आप उसमें वीक्स वगैरह सब कुछ उसमें आते हैं कि कौन से दिन किस टाइम आपकी ऑडियंस कितनी ज़्यादा एक्टिव रहती है नहीं रहती, ये सब चीज़ें आपको बहुत ईजिली वहाँ पर मिल जाती है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आपको क्या काम करना, अपनी वीडियो को अपलोड करना है। तो यहाँ पे भी आपको टाइम टेबल का जो एक सिस्टम है वो भी सही तरीके से मिल जाएगा कि एक दिन या तीसरे जब भी, मतलब जिस दिन भी आपको वीडियो अपलोड करनी है वो किस टाइम करनी है वो भी आपको मिल जाएगा। और आपको जो है एक टाइम जो मैंने कंसिस्टेंसी बताई है आपको उसको भी ध्यान रखना है कि आपको 7 दिन में 3 दिन में आपको वीडियो को अपलोड करना है या मान लीजिए 5 दिन में आपको वीडियो को अपलोड करना है, तो वो भी चीज़ आपको मिल जाएगी कि आपको जो है किस तरीके से करना है। ये आपको एक टाइम टेबल और कंसिस्टेंसी बना करके आपको काम करना है। अगर आपको चाहते हैं कि आप अपने नया आपने कोई चैनल बनाया है और उसके लिए आपको नहीं पता कि उसका आपको लोगो बनाना है या आपको उसका बैनर बनाना है, और आपको बनाना अगर नहीं आता, मतलब आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से हम बैनर या लोगो बना सकते हैं, तो भाई मैंने अपने इसी चैनल पर बैनर और लोगो बनाना सिखा रखा है बहुत ही आसान तरीके से। मतलब आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रेडीमेड बन जाता है, उसमें कोई चार्ज भी नहीं है, वो पेड भी नहीं है। तो अब मेरे इसी चैनल पर जाकर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, मैंने उसमें बहुत आसान सा तरीका बता रखा है कि आप किसी तरीके से YouTube बैनर या लोगो थंबनेल वगैरह बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप पर YouTube चैनल बनाना नहीं आता तो उस टॉपिक पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप मेरे इसी चैनल पर जाकर के वॉच कर सकते हैं। अगर आपका भी एक YouTube चैनल लेना है तो यार चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे इस चैनल पर YouTube के अकॉर्डिंग और Facebook Instagram से मिलती जुलती सभी वीडियोस मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द मिल सके। अब दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।